यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी शेयर करने वाला हूं, उसके माध्यम से सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको सीखने को मिल सकते हैं। प्रीपोजिशन जो है अधिकतम 8 से 10 प्रीपोजिशन रहते हैं जो इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा। वर्ब कहां पर क्या लगेगा, तो मैं इस कहानी को आप शेयर करना चाहूंगा कि आइए चलते हैं। कैसे मैं आपको उस कहानी को बताना चाहूंगा कि I went to school, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल, तो आज देखें कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया तो वहां पर झगड़ा हो गया। क्या हो गया, मैं स्कूल गया तो वहां पर झगड़ा हो गया। So there was a fight at the school. मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, सो देयर वाज ए फाइट एट द स्कूल, इसको तो स्कूल पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं सोचा भाई, झगड़ा हो गया तो मतलब फ्रेंड को इन्वॉल्व करना ही हमारा काम है। फ्रेंड अगर इन्वॉल्व नहीं हुए तो झगड़ा नहीं पूरा हुआ। तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड, क्या कहा, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बुलाया जो हु वाज जो स्कूल के पास से गुजर रहा था। हु वाज पासिंग बाय द स्कूल, बाय द स्कूल, मतलब बताया कि मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, वहां तो स्कूल पर झगड़ा हो गया। तो सो देयर वाज ए फाइट एट द स्कूल, स्कूल पर झगड़ा हो गया। मैं और अपने दोस्त को मैंने बुलाया, आई कॉल्ड माई फ्रेंड जो स्कूल के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा स्कूल के पास से मेरे दोस्त गुजर रहा, मैंने कहा आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैं ये दोस्त हूँ वाज पासिंग बाई द स्कूल, जो स्कूल के पास से गुजर रहा था, मैंने उसको बुला लिया और बताया कि मैं झगड़ा हो गया यार। तो जैसे ही झगड़ा क्यों है, तो उसने कहा रुको मित्र, आज अब झगड़ा हो ही गया है तो और कुछ भी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो करना है करो। तो उसने कहा अपने और दोस्तों को बुला देता हूँ। तो डैड फ्रेंड, उस मित्र ने, उस दोस्त ने कार्ड मोर फ्रेंड्स हु वाज फ्रेंड्स वाज नहीं वेयर हो गया यहां पर, हु वेयर कमिंग टुवर्ड्स स्कूल। यहां पर देखो, उस मित्र ने या उस दोस्त ने अपने और दोस्तों को बुलाया जो स्कूल की तरफ आ रहे थे। क्या कर रहे थे, जो स्कूल की तरफ आ रहे थे, टुवर्ड्स स्कूल का मतलब कि और आ रहे थे, ठीक है। हु वेयर कमिंग टुवर्ड्स स्कूल, बुला लिया। तो मैंने देखा, ऐसा जब मैंने देखा, when I saw that, जब मैंने देखा, अब बवाल हो गया। Now there was cause means बवाल, इसका यह cause कहा जाता है, लेकिन CAUSE होता है cause। I saw that now. When I saw that, now there was cause. अब बवाल हो गया, तो मैंने कहा I run away from school. तो मैं वहां से भाग गया। तो इस कहानी को देखो कि मैं स्कूल गया,
तो वहां पर झगड़ा, तो स्कूल पर झगड़ा हो गया। मैं स्कूल गया तो स्कूल पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने दोस्त को बुलाया जो स्कूल के पास से गुजर रहा था। मैंने कहा मैं फिर झगड़ा हो गया, उसने क्या कहा, अपने और दोस्तों को बुलाया, डैड फ्रेंड कॉल्ड मोर फ्रेंड्स हु वाज कमिंग हु वेयर कमिंग टुवर्ड्स स्कूल, जो स्कूल की तरफ आ रहे थे। उसने एक और इसमें सेंटेंस है, और स्कूल की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, यहां पर टू जो लगा हुआ है, टू जो लगा हुआ है ये स्कूल जाने के लिए कहा गया है, जाने के लिए, तो जहां पर जाने के लिए कहा जाए तो वहां टू लगेगा। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट, इसी तरह होगा, जहां पर जाने के लिए कहा जाए वहां टू का उपयोग होगा। सो देयर वाज ए फाइट एट द स्कूल, जो यहां पर एट लगा हुआ है ये एक लोकेशन को बताएगा, एट द स्कूल, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, ये लोकेशन का, एट द होम, ये लोकेशन को बताएगा, हम लोकेशन को बताएगा। और बाइक का उपयोग जो यहां पर लगा हुआ है, बाइक का उपयोग जो है, बाइक का उपयोग जो है वो साथ के लिए करना है कि वो गुजरने के लिए कर सकते हो, बाइक मदद द्वारा या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर हम गुजरने के लिए कहें करेंगे कि वहां से गुजर रहे थे, पासिंग बाई द स्कूल, यहाँ पर बाइक का उपयोग गुजरने के लिए, किसी चीज से पास से गुजर रहा हो अगर कोई, तो इसमें बाइक का उपयोग होगा। डैड फ्रेंड कम, यहाँ पर टूवर्ड्स जो स्कूल, टूवर्ड्स स्कूल लिखा गया है, तो टूवर्ड्स की ओर मतलब की ओर, स्कूल की ओर आ रहे थे, जहां पर हमने टू का उपयोग जो किया था वो स्कूल, स्कूल जाने के लिए किया था टू का उपयोग, लेकिन स्कूल की ओर मतलब स्कूल नहीं आ रहे थे, वो घूम रहे थे लेकिन स्कूल की ओर थे, की ओर थे, स्कूल नहीं आए हुए थे, तो उन्हें बुलाया गया। तो यहाँ पर अंतर है, टू स्कूल में जो गए, जो स्कूल गए थे उनके लिए मतलब स्कूल जाने के लिए कहा गया है टू, और टूवर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर की ओर के लिए होता है। फ्रॉम का उपयोग जो है से अलग, मतलब मैं स्कूल से भाग गया, मतलब स्कूल से अलग हो गया, मेरा कोई दोस्त नहीं भाई, मैं तो अलग हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आई रन अवे फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से भाग गया। तो यहाँ पर फ्रॉम जो है स्कूल से भागने के लिए, या मतलब अलग होने के लिए, अलग होने के लिए फ्रॉम का उपयोग, टू का उपयोग जाने के लिए, टूवर्ड्स का उपयोग की ओर, और यहाँ पर एट का उपयोग होगा लोकेशन के लिए, बाइक का उपयोग होगा गुजरने के लिए। तो कैसा रही हमारी ये क्लास, और अगर अच्छी लगी हो आपको ये क्लास तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर आपको प्रेस करना होगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी तरह की क्लास में आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब अधिकतर चीजें आपकी कवर हो जाएंगी और बड़े आसानी से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, प्रीपोजिशन सीख सकते हैं, कंजक्शन सीख सकते हैं, सारी चीजें मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, इसलिए हमारे साथ जुड़ना अनिवार्य। धन्यवाद।